आम आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं थाने में एफआईआर कराने के लिए चक्कर लगाते लगाते, लेकिन कैथल में तो पुलिस ने सिर्फ एक महिला की चिट्ठी मिलने पर ही बिना जांच के रेप का केस दर्ज कर लिया, ये जानते हुए भी कि ये आरोप कितने संगीन है। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने महिला को थाने में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। तब महिला ने खुलासा कर दिया कि ना तो उसके साथ कोई रेप हुआ है और ना ही कोई शिकायत दी है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि शिकायत झूठी है। इसके बाद पुलिस ने एक जगह तो केस दर्ज नहीं किया, मगर दूसरी जगह जब वही शिकायत मिली तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बाई पोस्ट आई थी हमारे पास, उसमें देखा था हमने कि बाड़ू वाले के खिलाफ किसी के एलिगेशन लगाए हुए थे। उसमें हमारी एएसआई ने उसी समय बुला लिया था, 22 तारीख को जैसे दरख्वास्त आई और उस गुड़िया को बुलाया गया था, मुदैया को, उसे पूछताछ की, उसने बताया कि मैंने ये दरख्वास्त नहीं दी थी और ना ही मैं इस पर्सन को जानती और मैं इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। तो मैम उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, उसे को बुलाया गया, रुकी को या क्या कुछ सामने आया? फिर उस गुड़िया ने इस संबंध में एक दरखास्त एसपी साहब को भी दी है, वो हमारे पास आई हुई है, इस संबंध में जांच चल रही है भाई, वो जिसने उसके पास शक दर्शाया है वह उस पर। जानकारी के मुताबिक एक ही शिकायत एसपी ऑफिस और महिला थाना दोनों जगह दी गई थी। महिला थाने में तो पुलिस ने पीड़ित और आरोपी दोनों को बुलाकर मामला दर्ज होने से पहले ही निपटा दिया, मगर दूसरी जगह बिना जांच किए ही केस दर्ज कर दिया गया। अब जब पीड़ित आरटीआई एक्टिविस्ट ने पुलिस को केस रद्द करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये झूठी शिकायत महिला के नाम से किसने और क्यों भेजी है। मैं 25 तारीख को एसपी साहब के पास से कंप्लेंट थाने पुंडरी में पहुंची थी, उस पे तो महिला से संबंधित था, उस पर हमने पर्चा 218 नंबर एफआईआर कर दी, 376/506 का पर्चा दर्ज कर लिया। अभी एसएचओ से पता कराया कि उस महिला को बुलाया है तो उसने कहा है कि भाई मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दी, तो हमारे जांच में ये चल रहा है कि कौन इस कंप्लेंट को एसपी साहब के यहाँ पे दे के गया ऑफिस में, उस पर हम 182 की कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें। इस मामले में बालू के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट गुरुदेव का कहना है कि उसने गलत लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, जिससे कुछ लोग उसके खिलाफ रंजिश रखते हैं। इसी तरह से पहले भी कई बार उस पर युवती ने झूठा केस दर्ज करवाया था, जिसमें कोर्ट में वो निर्दोष साबित हुआ था। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जयपाल ने पीड़ित गुरुदेव से बातचीत की। देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल, हम इस समय कैथल के जिला लघु सचिवालय में खड़े हैं, जहां पर एक पीड़ित अपनी जो दर्द है वो हमसे बयां करना चाहता है। उनका आरोप है कि एक नाम नामालूम महिला की तरफ से एक चिट्ठी लिखी जाती है थानों में, जिसके आधार पर इनके ऊपर जो है बलात्कार का रेप का जो मामला है वो बिना किसी जाँच के दर्ज कर लिया जाता है, और ऐसे ही सेम केस में महिला द्वारा खुद लिख कर दिया जाता है कि उन्होंने कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ना ही उसने कोई चिट्ठी लिखी। क्या कुछ पूरा मामला है हम आइए इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम गुरुदेव सिंह है। गुरुदेव जी क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? सर मेरे पास 22 तारीख को महिला थाना से फ़ोन आया था कि आपके ऊपर किसी आपने रेप का केस दर्ज हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपने गांव से 5-7-10 बुज़ुर्ग बंदों को लेके आएँ ताकि कुछ मामले की हम जानकारी ले सकें। जब मैं वहाँ बुज़ुर्गों को लेने के लिए आया तो वहाँ से फिर फ़ोन आया 2 घंटे के बाद पुलिस का, उन्होंने कहा कि हम या आपका तो मामला निपट चुका है, जो इस लेडीज के नाम से यहाँ पर लेटर आया था उन्होंने अपने बयान दर्ज वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये ना तो ना केस किया है, ना मैंने लेटर डाला है, ना इसमें कोई मेरा लेना देना है, तो हमने इसको बंद कर दिया है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक मामला था गुरुदेव जी, दूसरा जो आप बता रहे हो कि पुंडरी थाने का है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? तो उसके 3 दिन बाद जब यहाँ से महिला थाना ने उसको बंद कर दिया, 3 दिन बाद फिर वहाँ मेरे पास पुंडरी थाने से फिर फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपने किसी के साथ बलात्कार किया है। लेकिन मैंने कहा कि मैं मेरे पास 2-3 दिन पहले भी ऐसा यहाँ पर महिला थाना में भी हुआ था, लेकिन वो तो खुद रफा दफा हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपको यहाँ आना पड़ेगा उसका कार्रवाई। लेकिन तो शिकायत किस माध्यम से दी गई थी आरोपी? उन्होंने बाई पोस्ट उन्होंने कहा कि हमारे पास लेटर आया है, लेटर के थ्रू हमारे पास इस चीज़ की आई है। तो क्या कुछ मानते हो कि एसएचओ की लापरवाही है कि बिना एक लेटर पे बिना कोई जांचे परखे एफआईआर दर्ज कर लिया आपकी बिना सुनवाई के? बिल्कुल सर, इसमें पुलिस का तो पूरा हाथ मानूंगा, क्योंकि ये जब भी कोई एक आम आदमी जब भी किसी कोई की शिकायत जब पीड़ित व्यक्ति जब भी उनके पास जाता है तो वो आनी कानी करते हैं, चाहे वो कितना भी जोर लगाए लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज करते। लेकिन मेरे नाम पर सिर्फ एक लेटर आने के तुरंत बाद कुछ घंटों में ही उसको एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे लापरवाही का और या किसी मिलीभगत का कि
कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या कुछ मांग करोगे सरकार से कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने जिस नाम से वो आई है उसके नाम उनके ऊपर भी और पुलिस के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त, तभी जाके ये भ्रष्टाचार मिटेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे एक RTI एक्टिविस्ट जो बाड़ू गाँव से संबंध रखते हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर जो बलात्कार के आरोप लगाए गए थे, जिस संदर्भ में बाय पोस्ट जो चिट्ठी एक थाने में आती है जहां पर इनको बिना बुलाए ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और वहीं दूसरी कैथल महिला थाने में भी एक शिकायत आती है वहाँ पर इनको बुलाया जाता है, प्रॉपर इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जहाँ पर जो चिट्ठी जिनके खिलाफ से नाम से जो शिकायत दी गई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ये किसी ने जानबूझ के फंसाने के लिए ऐसा किया। परंतु पुंडरी थाने की SHO की हम लापरवाही इसमें कह सकते हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता को बिना सुने ही उन्होंने बिना कोई जांचे परखे ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे पुलिस की जो कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज करवाने के लिए जहां लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं वहां पुलिस काम नहीं कर रही, परंतु एक चिट्ठी के आधार पर पुंडरी के SHO जिन्होंने अभी नया नया कार्यभार संभाला है उन्होंने बिना कुछ जांचे परखे ही मामला दर्ज कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कुछ उस SHO के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और कब तक उस आरोपी को पकड़ते हैं जिसने ये फर्जी जो चिट्ठी है पुलिस को दी थी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।